शाहनगर सीएम राइज प्राचार्य पर लगे बैड टच के आरोप। प्राचार्य ने किया बैड टच। कक्षा 12वीं की दो छात्राओं ने थाना पहुंचकर दी लिखित शिकायत। परीक्षा के पूर्व कक्षा में रुकने और गलत ढंग से छूने के लगाया आरोप। शाहनगर थाना प्रभारी ने कहा, संदेहास्पद मामला, थाने में अभी महिला पुलिस अधीक्षक अधिकारी नहीं है, दो दिन बाद होगी इसकी जांच। पहले से ही वित्तीय आरोपों में घिरे शाहनगर सीएम साइज हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्राचार्य वीरेंद्र सिंह राजपूत को लेकर एक और नया विवाद सामने आया। इसमें पूर्व भी विद्यालय में वार्षिक उत्सव के दौरान छात्रों के बीच नाच गाने को लेकर स्थानीय मीडिया ने प्रबंध को आड़े हाथ लिया था। ताज़ा मामले में यह 12वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की दो छात्राओं द्वारा बैड टच और शोषण के आरोप लगाए गए। पुलिस थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला सामने आने के बाद से ही प्राचार्य की मानसिकता और कार्यशैली को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं। वर्तमान में भले ही मामला पुलिस की विवेचना में अधीन है, लेकिन इस घटना से सत्तासीन भाजपा के प्रशासक का चेहरा एक बार फिर धूमिल दिख रहा है। एक और जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के बाद सरकार नई युवा नीति लेकर आ रही है, वहीं स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए जाने की बात कही रही है, तो वहीं उनका असंवेदनशील प्रशासन उल्लू बना रहा है। वंदे भारत न्यूज की ओर से रिपोर्टर चरणजीत बंजारा, शाहनगर, पन्ना। किस तरह से बैड टच करते हैं प्रिंसिपल साहब, क्या है पूरी कहानी? जी सर, जब प्रेयर लगती है सुबह और शाम को, वो दोनों टाइम लाइन सीधी करने के बहाने आते हैं लाइन में और लड़कियों को बैड टच करते हैं। परीक्षा के बारे में क्या बोला? परीक्षा के बारे में सर, वो क्या कहते, उन लोगों ने हमें पीछे बुलाया उस दिन वार्षिक महोत्सव के दिन, और फिर उन्होंने रुकने के लिए बोला। जब फोटो तो शूट होने लगे तो सर बदतमीजी करने लगे हम लोगों के साथ, तो हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि तुमको 12वीं की परीक्षा कोई पास नहीं करा पाएगा, ऐसे उन्होंने बोला। इसीलिए हम लोग डर गए थे, इसीलिए हम लोगों ने कार्रवाई नहीं की, और पेपर जब ख़त्म हुए तो फिर हम लोग ने आके कार्रवाई की साइनगर में। राव ने साहिनगर उत्कृष्ट स्कूल के प्रचार पर अश्लीलता के आरोप लगाए हैं, शिकायत आई है, क्या कार्रवाई? ये मैटर जो है हमें अभी संज्ञान में आया है, इसके लिए हम टीम गठित करके दो दिन में इसकी जांच करा लेता हूं, जो भी निष्कर्ष आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कितने सदस्यीय टीम गठित की गई है? हम 3 सदस्यीय टीम गठित कर रहे हैं, जाकर वहाँ हर बिंदुओं की जांच करेंगी और जांच करने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दूंगा। थैंक यू सर। बताइए इस बारे में तो हम जानकारी जी नहीं। थाने को लेके, किस बात को लेके आप गए थे, क्या परेशानी है आपकी? जी सर, ये हमारे स्कूल में वार्षिक महोत्सव हुआ था, तो उसमें प्रिंसिपल सर ने हमको रुकने के लिए बोला था, तो हम रुके थे कुछ देर के लिए, फिर सर फोटो वोटो शूट हो रहा था सब बच्चों के साथ, तो क्या कहते सर बैड टच कर रहे थे हम लोगों को, इसीलिए हम लोग गए थे आज। वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे, इसीलिए हम लोगों ने कार्रवाई नहीं की कि सर कुछ मतलब पेपर वेपर में दिक्कत न कर दें हम लोगों की, इसीलिए हम लोग आज गए। फिर सर ने ले लिए TI सर ने रिपोर्ट, मगर उनने पावती नहीं दी अभी तक, कार्रवाई करना तो दूर, उन्होंने पावती भी नहीं दी अभी तक। क्या बोल रहे थे वो? कह रहे थे कि मैडम को आ जाने दो। आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं सर कि इसमें कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग तो हैं, जैसे हम लोग बोल लेंगे,
और जो आगे आने वाली लड़की है वो नहीं कर पाई, तो कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? राखी बाल्मी। कौन सी क्लास? 12th में सर, एग्जाम हो गए हैं 12th के।